वेलकम बैक टू द चैनल येट विथ अनदर न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं कुछ नया जगह एक्सप्लोर करने आई हूँ जो कि है 7S चाय। मैं अभी इंट्रो लेने के लिए एक पार्क में हूँ जो कि इधर का नज़ारा तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मतलब मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कैमरामैन दिखा दो घुमा के। चलो बकबक नहीं करते और जल्दी से चलते हैं एंड चाय का मज़ा लेते हैं। ये रहा 7S चाय का मेनू कार्ड एंड थोड़ी ही देर में हम लोग इधर के ओनर के साथ बातचीत करेंगे कि ये 7S चाय बनाने का मेन मोटिव क्या है, ताकि आप लोग के लिए इजी हो इधर के बारे में और जानने के लिए। अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ एंड इधर का ओनर से थोड़ा सा पूछ लेते कि 7S चाय का कॉन्सेप्ट क्या है, उनको कहाँ से ये कॉन्सेप्ट मिला। तो ये है ओनर, आपका नाम थोड़ा बताइए। मेरा नाम है अरूप और मैं बेसिकली अगरतला से बिलोंग करता हूँ, प्रतापगढ़। सो हुआ यह था कि जब मैं पहले मतलब घर से निकलने का शाम को मतलब दोस्तों के साथ निकलने का जो परमिशन होता है वो मुझे मिलता था, तब बाहर निकाल के बहुत बड़े बड़े चाय का मतलब नया नया दुकान खुला था, वो वहाँ पे जाता था, अड्डा मारता था, राइट। तो वो एक ज़माना से मतलब ड्रीम हो गया था मेरा और मेरा एक दोस्त है राणा, उनका कि दोनों का एक ड्रीम हो गया था कि ऐसे चाय का कुछ मतलब रिवोल्यूशन लाना है, राइट। और कॉन्सेप्ट का अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मेरे को हिट के एक चीज़ मतलब इमोशनली जो होता है ना, मैं कोलकाता गया था, वहाँ से उबर बुक किया था त्रिपुरा आने के लिए, मतलब एयरपोर्ट जाने वाला था। तो उबर ड्राइवर को पहले मैंने बोल दिया था कि मैं एयरपोर्ट जाने वाला हूँ, त्रिपुरा जाने वाला हूँ। तो उन्होंने मतलब जो एयरपोर्ट कोलकाता एयरपोर्ट पर अगर आप गए हो तो ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ उठता है, तो उठते उठते उन्होंने पूछा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना है या फिर डोमेस्टिक पे जाना है। उनको पता ही नहीं चला कि त्रिपुरा कहाँ है। कि सो ये मतलब बहुत बुरा लगा कि त्रिपुरा एक स्टेट है, इनको पता ही नहीं है पूरे इंडिया में, राइट। सो बहुत ही हर्ट किया मेरे को, मेरे साथ राणा भी था, तब से मतलब वो चीज मेरे दिमाग में आया कि नॉर्थ ईस्ट को हाईलाइट करना है। और आप भी देखते होंगे कि बहुत सारी जगहों पे अरुणाचल को लेके मतलब बहुत सारे इशू हुआ था, तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि हमारी जो रेसिपी मतलब मेन्यू है सारे 7 चाय जो है हम लोगों का, सारे चाय में एक स्टेट का नाम मेंशन है। मैं जो तुम लोगों को थोड़ी देर पहले सो अमेजिंग कि 7 स्टेट का नाम है, त्रिपुरा स्टेट्स का नाम है, तो इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सो बेसिकली ये चीज़ हम लोगों ने शुरू किया बिकॉज इन फ्यूचर जब हम लोग इंडिया के मेन बॉडी पे जाएंगे, लाइक हम लोगों का जो फ्रेंचाइजी होगा या फिर कोई भी होगा आउटलेट होगा, तो वहाँ पे जब जाएंगे तो लोग हमारी मेनू पढ़ने के साथ साथ हमारे जो 7 स्टेट्स है राइट, उनके नाम भी उनको पता चलेगा कि ऐसा कुछ है नॉर्थ ईस्ट का, राइट। सो वी बेसिकली वांट टू हाईलाइट अवर स्टेट नॉर्थ ईस्ट सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स। थैंक यू सो मच कि ये लोगों ने इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट लाया है वो भी त्रिपुरा में, एंड मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा जब मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों का पोस्ट देखा। तो मुझे एक्चुअली बेसिकली पता नहीं था कि 7S का जो वो है 7 बेसिकली हम लोग के साथ 7 फ्लेवर है चाय का, तो सबसे ज्यादा रिव्यू जो आया है वो मैंगो टी पे आया है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं मैंगो का फ्लेवर और अभी ऑफ सीजन भी चल रहा है मैंगो का, तो लोग अभी पसंद कर रहे हैं मैंगो को। और उसके साथ साथ जो मतलब सबसे ज्यादा हम लोग के मेन्यू पे जो फर्स्ट लिस्टेड है जो मसाला चाय, वो मसाला चाय भी बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, और मैंने भी वही ऑर्डर किया त्रिपुरा मसाला चाय, मुझे टेस्ट करना था कि इसका टेस्ट कैसा है एग्जैक्टली। उससे भी बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच कमेंट माय वीडियो। तो मैं होप करूँ कि आप मेरा वीडियो देखो जब भी मैं अपलोड करूँ। मैं बोली थी तुम लोगों को चाय बनाने का प्रोसेस भी मैं शेयर करूँगी, तो शायद वो उधर ही बिजी है, तो थोड़ी देर में मैं चाय का वीडियो भी शेयर करूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। तो इधर जो मैंने त्रिपुरा मसाला से ऑर्डर किया वही वो लोग बना रहे, तो उसका छोटा सा बनाने का प्रोसेस जल्दी से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, वो आप लोग देख लो। इसके बाद फिर जब चाय आएगा तब मैं मिलती हूँ आप लोग।
सो फाइनली कम्स द मोस्ट क्यूटेस्ट पार्ट, लाइक मेरा तो ये फेवरेट पार्ट है, मेरा नाम लिखा हुआ इसमें है. सो आप लोग भी जाओ, आप लोग का भी नाम ऐसे कस्टमाइज़ किया हुआ कप में लिखवा के आओ. लाइक मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है. सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो मुझे घर आके फिर से वॉइस ओवर ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा क्राउड था तो नॉइस आ रहा था, तो मैं क्या ही रिव्यू देती. तो इसीलिए मैं घर आके वॉइस ओवर ऐड कर रही हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा चाय था. लाइक आप लोग जाके डेफिनेटली ट्राई करो एक बार. सो गाइस, आप लोग को दिखा है कि मैं फिर से आ चुकी हूँ मेरा वही पार्क में जो सेवन एस चाय के पास में ही है, क्योंकि उधर एक्सट्रीम भीड़ था, मतलब मुझे खड़े होने का जगह भी नहीं मिला. तो मैं सोची कि ये मेरे दोस्त ने ऑर्डर किया है वाटरमेलन जूस, है ना, नॉर्मल सिंपल वाटरमेलन जूस. सो इसका प्राइस है 79 रुपीज़ और मेरा जो ये त्रिपुरा वाला स्पेशल चाय था, मसाला चाय था, उसका प्राइस है मिल्क चाय का 20 रुपीज़. सो विच इज़ वेरी अफोर्डेबल, मतलब आप लोग आके रेगुलर बेसिस पे भी पी सकते हो. एंड मैं शुगर थोड़ा कम पीती हूँ, मतलब कम लेती हूँ, तो उसमें मैंने देखा, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ा, वो लोग खुद से जितना शुगर डाले इज इनफ, मतलब बहुत बढ़िया था चाय. एंड कमिंग टू दिस वन, मेरे दोस्त ने हाफ खा के ख़त्म कर लिया, पी के ख़त्म कर लिया. एंड नाउ इट्स माय टर्न कि मैं इसको टेस्ट करके मेरा रिव्यू दूंगी, रिफ्रेशिंग है कि नहीं. आ क्यों नहीं रहा. काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल लग रहा है. इसमें शायद वाटरमेलन सिरप उन लोगों ने यूज़ किया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. टेस्ट वाइज वेरी गुड, आप लोग आके ट्राई कर सकते हो, अफोर्डेबल है. एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि इधर बैठ के आप लोग अड्डा मारोगे, तो वैसा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि दो तीन जन ही बैठ पाएंगे. वैसे थोड़ा क्राउडेड है इधर एंड सीरियल ग्रिलर के जस्ट बगल में ही है, जैसे आप लोगों ने देखा है. ओवरऑल मेरा वही रिव्यू होगा 5/5, क्योंकि इन लोग का कॉन्सेप्ट इज दिस लेवल, नॉट दिस लेवल, मतलब ये मतलब कॉन्सेप्ट ही जो लाए हैं ना, वो मतलब ह्यूज रेस्पेक्ट टू देम. मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट तो मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं है, कहीं देखा भी नहीं है, लाइक सेवन स्टेट को ऐसे रिप्रेजेंट करना थ्रू चाय का, वो सब कॉन्सेप्ट जो भी है, माई गॉड, मतलब हैट्स ऑफ टू देम. एंड इफ़ यू ऑल आर वॉचिंग दिस वीडियो, सेवन एस टीम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई वीडियो. मैं मतलब यही नोट पे एंड करती हूँ आज का वीडियो, कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था मेरा इवनिंग आज का, सॉर्टेड था. एंड ये ड्रिंक पी के मैं अपना ये वीडियो इधर ही एंड करती हूँ. आप लोग ज़रूर से बताना कॉमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगा सेवन एस चाय. एंड अगर आप लोग आए हो तो कॉमेंट बॉक्स में वो भी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.